एक बहुत ही प्यारा जोड़ा जिनको मैं जानता हूँ, उन्होंने ख्वाब देखा और उससे पहले उन्होंने शादी हो रही थी रिश्तेदारों में, कजन्स में, तो उन्होंने ये कहा अपनी आपस की गुफ्तगू में, बेगम ने शौहर से कहा जिनका रिश्ता होने वाला है यानी निकाह हो चुका है और वलीमा और सब चीज़ें, उन्होंने कहा हम सबको शादी का कार्ड देने चलेंगे साथ साथ, उन्होंने कहा अच्छी बात है हम खुद जाएंगे। फिर बेगम ने ख्वाहिश का इजहार किया, अल्लाह ताला उस मोमिना को अजर अता फरमाए कि हम जब सबको कार्ड देने जा रहे हैं तो एक कार्ड हम यहाँ पास में एक रोज़ा एक जरिए उसमें भी डालकर आते हैं, हज़रत अब्बास को बुलाते हैं और वो भी हमारी शादी में आएंगे जब हम सबको बुला रहे हैं बड़े बड़े गेस्ट को। तो शौहर कहते हैं, मेरे दोस्त ने कहते हैं मुझे हंसी आई, लेकिन मैंने कहा चलो इसकी ख्वाहिश है तो चलते हैं। मैंने ये कहा कि यार बड़े लोग कहाँ आएंगे हमारी शादियों में, और मैं ये कहता रहा, हम दोनों गए, हमने जरी में कार्ड शादी का डाला कि आपने हमारी शादी पे आना है, शादी हो गई, तकरीब हो गई, मामलात हो गए। कह लेंगे दो हफ्ते बाद मेरे ऐसी ख्याल आया, मैंने बेगम को छेड़ा, मैंने कहा हाँ भाई आपके वो बड़े सरकार नहीं आए शादी में जिनको आप कार्ड देने के लिए गई थी? तो बेगम ने कहा कि अल्लाह बेहतर जानता है। वो चली गई, तहज्जुद गुजार थी, नमाज शब पढ़ती थी, कहने लगे मैं सोया और ज़िंदगी में पहला ख्वाब मुझे आया और वो ख्वाब ऐसा था कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ख्वाब में जिस शख्सियत का हम जिक्र कर रहे हैं, सैयदना हज़रत अब्बास अख़ल हुसैन, वो मेरी आंखों के सामने है और मुझसे कह रहे हैं कि तुम हमारे चाहने वाले, तुम्हारी बेगम हमारी चाहने वाली, और हमें कोई बुलाए और हम ना आए और हमारा चाहने वाला हो, बाखुदा हम तुम्हारे दावतनामे में तैयार हुए, आमादा हुए और चल कर आए, मगर तुम्हारी शादियाँ इस तरह की थी कि हम आ सकते? हम पूरी शादी की तकरीब में बाहर खड़े रहे, वो ढोल, वो तमाशा, वो गाने, वो फाशा, यानी वो चीज़ें, हम सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत में आए और दरवाजे पे खड़े रहे, लग रहा था कि हम दरबारे यजीद में आ गए। गोया ऐसी शादियों में हमें बुला के तुमने हमें इज्जत दी या अपनी मोहब्बत का इजहार किया। और फिर उन्होंने जुमला इस्तेमाल किया, सैयदना इमाम मूसा आप पे हमारा सलाम हो, आपने ख्वाब में ये कहा कि हमारा मूसा तो ये लहमुलाब ये गाने सुन के उसकी खाल पिघल जाती थी और तुम उन शादियों की महफिल में वो सुनाने के लिए बुला रहे थे। तो मेरी रूह भी कांप गई और वो कहने का मैं उठा और मैंने बेगम को जाके बताया कि तुमने जिसको बुलाया था वो आए थे, मगर हमने उनके आने के हिसाब से तैयारी ही नहीं की। बिल्कुल। तो अब जो हम ख्वाब में देखते हैं ना उसका बड़ा तसलसल है, मगर हम तैयार भी तो हो जाएं जरा ख्वाबों को देखने के साथ साथ हकीकतों को भी तो देखें अपनी ज़ात की। बिल्कुल सही बात, क्योंकि बहुत से लोग ये करते हैं कि जी बरकत के लिए कि हम बड़ी हस्तियों को कि जी हम उनके नाम एक ख़त लिखते हैं, लेकिन आप ये भी तो देखिए कि अगर आप अपने घर में कोई शादी कोई ब्याह की तकरीबात हो और आप उनको बुलाना चाहते हो और आप चाहते हो कि उनकी बरकत उनकी मौजूदगी को आप महसूस करें, तो इसके लिए अपने घरों की महफिल को भी वैसे रखें जैसे वो पसंद करते हैं। मतलब ठीक है कि आज हम वो नहीं है जो वो चाहते हैं, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि वो आपकी तरफ आएँ, अगर जब आपने घर में मिलाद का भी अहतमाम करते हैं तो आप घर में आप घर को पाक करते हैं, घर में चादरें बिछाते हैं और आप की कोशिश होती है कि इस पाक महफिल को जहाँ पे मुनक्किद करनी है वो जगह पाक की जाए, हर वो चीज़ की जाए जिससे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हों। तो फिर आप जिनको बुला रहे हैं उनको भी तो देखें कि क्या वो आएंगे, क्या आपका बुलावा ऐसा था। अच्छा, सियालकोट से कॉलर हमारे साथ हैं अब्दुल रशीद, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। जी अब्दुल रशीद साहब, क्या पूछना चाहेंगे जी? सिस्टर मैं पूछना चाह रहा हूँ, रात में मैंने ख्वाब में देखा था कि दो परिंदे हैं, छोटे बच्चे। जी जी, एक बटेरा है और एक तोता है। मैंने जब दोनों को पकड़ा ना तो दोनों के अंदर से ऐसे जैसे रोशनी नहीं निकलती जैसे लाइट में बल्ब में से, इस तरह से उसके अंदर से रोशनी निकली और मैंने दोनों को पकड़ लिया है। अच्छा, ये आपने रात ख्वाब देखा है? कुछ जी। अच्छा ठीक है ठीक है। इनके ख्वाब की ताबीर के बढ़ने से पहले जैसे उस साहब ने जिक्र किया, उनका बुज़ुर्गों का अता करना बड़ा अफजल होता है और बुज़ुर्गों का उल्म रूहानियत तो ये फरमाते हैं, यहाँ तक कि ख्वाब एक बहुत बड़ी नेमत है। जैसे इतनी देर से ये गुफ्तगू हो रही है, बसों का जब हम बुरे ख्वाब देखते हैं या अपने आप को ख्वाब में आजमाइश में देखते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं, हम कहते हैं इस आजमाइश का फ़ौरन हल हो जाए। यहाँ पर उल्म रूहानियत एक बात फरमाते हैं कि अगर किसी की तकदीर में आजमाइश और परेशानी और तकलीफ़ लिख दी गई है और अब उसके आमाल ऐसे हैं कि वो नेक आमाल कर रहे हैं, मगर जो तकदीर में लिख दिया गया है वो तो होकर रहना है, ठीक है। अब क्या होता है कि वो ख्वाब के ज़रिए से उसकी आजमाइश को टाल दिया जाता है उसके ऊपर से। ये ऐसी एक नेमत है, यानी ख्वाब में अगर वो उसको आजमाइश हो रही है परेशानी और ये तसलसल के साथ वो देख रहा है दो चार दफ़ा पाँच दफ़ा, अब हमें हम उठते वो हो हमने ये देख लिया, हम परेशान हो गए यार क्या हो गया, अब किसी से हम पता करें। उधर बुज़ुर्ग फरमाते हैं, बुज़ुर्गान दीन उल्मा रूहानियत फरमाते हैं, एहले तसव्वुफ़ एहले तरीक़त ही फरमाते हैं कि सब्र से काम लेना चाहिए और उनकी वो आजमाइश
ख्वाब की सूरत में उनसे गुजर जाती है। उसकी वजह क्या होती है कि उन्होंने अपनी दुनिया में जो नेकियां, हयात में जो की है, ज़िंदगी में जो नेकियां करी, अब उसका अजर तो मिलना है ना, अब उस आजमाइश को ख्वाब के ज़रिए से टाला जा रहा है। इसी तरीके से जब बुजुर्गान दीन, सहाबा कराम, अहल बेत अथार, औलिया सालहीन, अम्बिया अलैहिस्सलाम जब ख्वाब में आएँ और कुछ अता कर जाए तो ये बड़ी खैर व बरकत की बात होती है। और उलमा रूहानियत तो यहाँ तक फरमाते हैं कि देखें ख्वाब को हम लोग बहुत ईजी लेते हैं। जो लोग जिक्र अजकार करने वाले लोग हैं ना, जैसे आपने कहा कि अगर हम जिनको दावत दे रहे हैं वैसे बनाएं, तो जो जिक्र अजकार करने वाले लोग हैं और बातनी सफ़र करने वाले लोग हैं, उनकी रहनुमाई कैसे होती है? उनकी रहनुमाई बातनी तौर पर ख्वाबों के ज़रिए से ही होती है। जिस शेख से या जिस इमाम से या जिस हस्ती से वो चल रहे होते हैं, उनकी रूह बाकायदा उनकी रहनुमाई कर रही होती है। वो आपकी वो ख्वाबों में आके आपको और आपको ख्वाब में नजर आ जाए, फिर आपसे की बात ऐसा कुछ बता रहे होते हैं कि जिससे आपको रियल कोई गाइडलाइन दे रहा है। बिल्कुल, ये बड़ी बात है, बड़ी निस्बत की बात है कि अगर आपको ऐसी निस्बत की बात है, जिसकी निस्बत मजबूत होती है तो उसको ये सारी बरकतें मिलती हैं। बिल्कुल जी, कि ये बड़ी हस्तियां आपके ख्वाब में आ रहा, आपको रहनुमा आपकी रहनुमाई करें। आप इस हवाले से जो उनका वो ख्वाब था कि उन्होंने कहा कि मैंने दो, एक बटेर देखा, एक तोता देखा है, वो पकड़ते हैं तो वो नूर है, उसको पकड़ लेते हैं। इसमें ज़ाहिरन ये लग रहा है कि कोई मुराद अपनी बहुत जल्द पाएंगे, किसी काम को हासिल कर लेंगे, क्योंकि रोशनी जो है वो, नूर जो है वो एक अच्छी तरफ इशारा होता है। कहते हैं मैंने उसको पकड़ा तो मैं देख रहा हूँ कि कोई नूर उसमें से निकला है, तो मुमकिन है अपनी कोई मुराद पाएँ, कोई अच्छी खुशखबरी पाएंगे। तो कोशिश करें अल्लाह की राह में नेक काम करें, सदकात खैरात करें, अल्लाह की मखलूक पर रहम करें, अल्लाह बहुत खुश होता है। आमीन। अच्छा जी, हमारे साथ ग़ुलाम शबीर साहब हैं इस वक्त पिंडी से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वाह जी, क्या पूछना चाहेंगे? मैं पूछ ये चाहूंगा कि ये क्या मसला था कि मैं रमजान से पहले मैं नमाज पढ़ लेता हूँ तो मेरा कम का रोशन हो गया है। अच्छा। मैं जो उठ कर बैठा हूँ तो मेरे सोने में बालों साहब खड़े थे। अच्छा, तो फिर मैं अपना सारी पास होती थी, मैंने कहा जी आप किधर आए? कहते नहीं क्या पास आया था, मैं मजाक कर रहा था। मैं कह 25 साल हो गए आपको यहाँ से गए हुए, 25 साल के बाद नाई के पास गया था, मैं हंस रहा था उनसे। अच्छा, तो और ये आपने ख्वाब रमजान में देखा था? है जी, आपने ख्वाब रमजान में देखा था? रमजान से पहले, रमजान से पहले ख्वाब देखा था वो पूरे रमजान, मैं पूरे रमजान जो है मक्का मदीना में गुजार के आया हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, उमरा करके आया हूँ। उमरा करके माशाल्लाह माशाल्लाह से। तो उन्होंने मुझे अच्छा देश आया कि मैं जब रोजा रसूल में पहुंच जाऊँ तो मैं तो चल सकता ही था, मजबूर था क्योंकि उम्र काफी थी। तो एक बुजुर्ग खड़ा, एक लड़का खड़ा था 35-40 साल का, बड़ी जान में, वो एक सब लोगों को रुक जाओ, जो को आप आगे आ जाए, मैं आगे चला गया। वो एक आप चले, मैं आपके पीछे पीछे आऊंगा, सब भी दुनिया आएगी, वैसे ही आएगी। अच्छा, ये गुलाम शबीर साहब, ये भी आपने क्या ख्वाब में देखा था? अरे कॉल ड्रॉप हो गई। अच्छा जी, वक्त बड़ा मेरे पास बहुत कम है अवैस, मैं आपसे जानना चाहूँगी। पहले उन्होंने कहा कि वालिद साहब को मैंने देखा सिरहाने खड़े, तो मैंने कहा कि आप, तो उन्होंने कहा मैं नाई के पास जाने के लिए आऊँ, मैंने कहा 25 साल तो आप आए नहीं, तो मजाक किया उन्होंने वालिद को कि आए आए भी है तो नाई के पास। फिर उन्होंने बताया कि वो उम्रा करने भी गए और फिर बाकी, क्योंकि मैं नहीं समझ पाई, अगर मेरी टीम मुझे मेरी रहनुमाई करे कि ये जो दूसरा उन्होंने पार्ट बताया कि असल में उनके साथ हुआ या नहीं हुआ, पर आपको जो समझ आई इससे प्लीज़ बताइए। सबसे पहले तो मैं इनको खुशखबरी दूं कि इनके ख्वाब अच्छे हैं और बावजह हैं। फिर इनको उम्रे की मुबारकबाद कि ये रमज़ान शरीफ में उम्रा करके आए, इसकी बड़ी साफ बड़ा अजर है इसका। एक गुजारिश मैं करना चाहता हूँ, हतमी तौर से ऐसा ही है, मगर हो सकता है कि ये कहें कि कोई और बात भी हो सकती है। अलबत्ता बहुत अच्छा इशारा मिला है कि जो सादतें वो अपने लिए समेट रहे हैं, मसलन हज, उमरा, ज़ियारत, वो अपने वालिद की तरफ से भी करें। ये इशारा इसी बात का है कि अगर ये हाजी हैं, हज कर चुके हैं, एक हज या तवाफ़ कम से कम अपने वालिद के नाम से करें, उनके लिए करें। ऐसे ही जब ये यकीनन बड़े इश्तियाक से एक आशिक की हैसियत से रोज़े करीम, रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करते होंगे, तो वहाँ अपने वालिद की तरफ से भी ज़ियारत करें, दुरूद का एक खूबसूरत सा तोहफ़ा वहाँ पेश करें। और बहुत से अफराद ये गलती करते हैं, मैं इसको इश्क की दास्तान में गलत भी नहीं समझता, मगर हर किसी का अपना मजाज है। वहाँ लिखा हुआ है कि अपनी आवाज़ों को नीचे रखो, नीचे रखो। वहाँ नात शरीफ को बावाज ऊंचा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो तो वो है कि दूर नज़दीक के सुनने वाले वो कान काने लाले करामत पे लाखों सलाम। तो वहाँ अपनी आवाज़ों को ऐसा खाम करते हैं, बल्कि मैं तो कहता हूँ अपनी निगाहों को भी नीचे रखें। वहाँ तो नजरें झुकाने का भी हुक्म है, तो फिर वहाँ पर आवाज़ कैसे बुलंद होगी? और ये चूंकि ख्वाब का मौजू है, एक नुस्खा भी बता रहा हूँ। बहुत से लोग मदीने की ज्यारत नहीं कर पाते, माली इसबाब नहीं होते ना,
पैसा नहीं होता, मगर अल्लाह ने ख्वाब के जरिए तमाम रास्ते खोल दिए। क्या कह रहे हैं आप? सिर्फ खुदा से दुआ मांगे परवरदिगार, माली इसबाब नहीं हो रहे ना, फिलहाल नहीं हो रहे, मगर चल आज रात ख्वाब में मदीना दिखा मुझे, आज मुझे ख्वाब में करबला ले जा, मुझे नजफ अशरफ दिखा, मैं उन शख्सियात से ख्वाब में तो मिल सकता हूँ, उनके रोजे पे जा सकता हूँ। ये याद रखिएगा, अगर आपने ख्वाब का सफर कर लिया आप हकीकत का सफर करेंगे, और अगर आपने हकीकत का सफर कर लिया अभी ख्वाब में आप यानी तसव्वुर में और फिक्र में नहीं पहुंचे तो भी आपको अपनी रूहानी और ज़ादरा नहीं है, नीयत अच्छी होनी चाहिए तो ज़ादरा अल्लाह पाक फिर गैब से आपको अता करेगा। अब बहुत शुक्रिया जी आपका, मुफ्ती हमारे साथ आसिफ मौजूद थे, हमारे साथ जवाद भी मौजूद थे, जवाद हुसैन आब्दी साहब, और हमारे साथ मौजूद थे अवैस रबानी, आप तीनों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। यहाँ पर आपसे इजाज़त लेते हैं, और ख्वाब की ताबीर पूछेगा उससे या तो जिसमें इल्म हो या जो आपसे मोहब्बत करता हो, ताकि वो आपकी ख्वाब की ताबीर अच्छी दे। इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी, शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। अल्लाह हाफ़िज़।